सीरियल अजूनी में लीजिए, अजूनी को मिल गया है अपने ससुराल वालों का तोड़। वेल, टेक्निकली उसे नहीं मिला है, लेकिन मतलब ससुराल वालों की भाषा बोलने के लिए और उनको अपनी भाषा समझाने के लिए कोई हाजिर हो गया है। जाहिर सी बात है कि इस सब में हमारी अजूनी बहुत खुश है। तेरे को इलम भी है कि वो है कौन? अरे 12 पिंडों की सरपंचनी है वो। बात करती है, जब देखो मुंह खोल के बोल दिया बदतमीज औरत। चलो, बग्गा परिवार को कोई ऐसा तो मिला कि जिसे देखकर इन सब की बोलती बंद हो जा रही है। अब अजूनी के ससुराल में आ गई है दुर्गा मौसी, और जैसा कि इनका नाम ही दुर्गा है, दुर्गा नाम का असर इन पर पूरा दिखाई दिया। आते ही देखिए कि कैसे सबकी क्लास ले ली जब पता चला कि अमन इस घर से गायब हो गई है। तुम सबने नई बहू और मेरी अमन को कितना परेशान किया, सब पता है मैंने। बेबे सही से बता, मेरी अमन कहाँ है? वरना अमन का पता कहीं पर भी नहीं चल रहा है। खैर, इसके बारे में तो बग्गा भी नहीं जानते हैं। अजूनी और राजवीर कहते ही रह गए कि अमन भाभी को गायब किसी और ने नहीं ही बल्कि शिखा ने किया है, लेकिन उनकी बातों को माने कौन भला। कहीं ना कहीं अजूनी को ये डाउट है कि शिखा और अरविंदर वीर जी इन सब के पीछे है, उनका ही शायद हाथ है अमन भाभी को गायब करने में, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं है। तो वो यही कोशिश कर रही है कि वो कहीं से सबूत इकट्ठा करे या पता करे कि वो कहाँ है। अभी कुछ नहीं बोल सकती कि वो कहाँ है, उनको उनके साथ क्या हुआ है, वी डोंट नो एनीथिंग। और बेबे को देखिए, वो तो अपने अलग ही हिसाब किताब में रहती है। अब घर में ही बहुत टेंशन का माहौल हो गया है, क्योंकि दुर्गा मौसी जो है ना, वो पूरे 25 गांव की सरपंचनी है और उस पर अमन की मौसी है। तो भाई, जब अमन नहीं मिलेगी तो सोचिए इन सब का क्या होगा। तो मैं घर में घुसते ही तितर बितर कर चुकी हूँ, सबको डरा चुकी हूँ, धमका चुकी हूँ सबको। होता है ना ऊपर से नीचे छिल देना, तो मैं छिल चुकी हूँ। तो ये एंट्री हुई है मेरी, और मैं अमन की मासी बन के आई हूँ, जो कि एक सरपंचनी होती है, 14 गांवों की सरपंचनी होती है। तो पढ़ी लिखी नहीं होती है, लेकिन फिर भी उसका अपना एटीट्यूड है, तो उस एटीट्यूड में मैं आई हूँ। अजूनी तो यही सोचकर खुश है कि चलो इन्हें कोई तो मिला इनकी बराबरी का। अब जब तक दुर्गा मौसी घर में है ना, तब तक देखिए हंगामा और कैसे बढ़ता जाएगा। ससुराल कहलाने लायक कुछ अच्छा काम किया है आप लोगों ने? मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।